Hello guys, I'm starting with the reading module, and before starting it I would like to request you to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get notification of my new videos. The time of the reading is 1 hour. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को एनहांस करें, इम्प्रूव करें अपनी रीडिंग स्पीड को. आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू रीड नॉवल्स एंड आर्टिकल्स. यू कैन रीड वॉट यू वॉन्ट टू रीड. आप जो मर्जी चाहें वो पढ़ें, पर इंग्लिश में पढ़ें. और आपको क्या उसकी समझ आनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं. आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है वो उसका क्रक्स क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, आपको एक एक वर्ड की समझ आनी चाहिए. उसके बाद क्या होता है, जो हमारी एकेडमिक की रीडिंग होती है, जो हमारे पास एकेडमिक रीडिंग होती है, उसके पास क्या होते हैं, उसके 3 पैसेजेस होते हैं, 1, 2 एंड 3. हमें क्या करना होगा, 1 आवर की हमारे पास रीडिंग है, तो हमें क्या करना होगा, इन पैसेजेस को डिवाइड करना और टाइम को डिवाइड करना होगा इन पैसेजेस में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पैसेज है उसे कोशिश करेंगे हम 16 मिनट्स में ख़त्म कर दें, विद इन 16 मिनट्स. एंड देन जो हमारे पास सेकंड पैसेज होगा उसे भी 16 मिनट्स में, थर्ड उसे भी 16 मिनट्स में. जब हम इनको 16 16 मिनट्स में डिवाइड करके पैसेजेस को ख़त्म कर लेंगे 16 मिनट्स में, तब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा. जब हम सारे पैसेजेस को 16 16 मिनट्स में कवर कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करना होगा, हमारे पास कितने मिनट्स बचेंगे, 4 मिनट्स पर पैसेज. तो हमें इसको यूज़ में लाना होगा. कैसे यूज़ में लाएंगे, जो हमारे पास आंसर्स जो हमने निकाले हैं, जो हमने आंसर्स देखे हैं, जो लोकेशंस फाइंड आउट करनी है, उसको हमने कंफर्म करना है. हमारे कीवर्ड्स, कई बार क्या होता है कि हमें लोकेशंस मिल नहीं पाती, कई आंसर्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ढूंढने, तो उस टाइम में हमें क्या करना है, वो जो हमने लगाए हैं आंसर्स उनको देखना है, उनकी लोकेशन कहाँ पे है और उनको हमने सही मार्क किया है या नहीं किया. तो ये कैसे इम्प्रूव होगा, ये चीज़ हम कैसे कर पाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपनी रीडिंग स्पीड को. और रीडिंग में हमें ये नहीं करना है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. हमें सिर्फ क्या करनी है, स्किमिंग करनी है. स्किमिंग करनी है मतलब हमें सिर्फ ऊपर से उसे रीड करना है, पर हमें पता होना चाहिए कि हर एक पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और उसका मतलब क्या है. इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है रीडिंग में वो कौन सी होती है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि जाओ लाइब्रेरी में, वहाँ पे लास्ट वाले टेबल पे जो एक बुक पड़ी है मैथ्स की वो लेके आओ. आप क्या करोगे, आप जाओगे लाइब्रेरी में, आपने क्या किया, पूरी लाइब्रेरी देखी, टेबल के ऊपर, लास्ट वाले टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, आप उठा के ले आए, वो है स्किमिंग. अब स्कैनिंग में क्या है, आपको स्कैन करना है. अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं आप लाइब्रेरी में जाओ, उस लाइब्रेरी में कितनी मैथ्स की बुक पड़ी हैं उसको मुझे काउंट करके बताओ, वो कितनी बुक्स हैं, तो आप क्या करोगे, जाओगे काउंट करोगे कितनी है बुक्स, 15 है 16 है, आप काउंट करके मुझे बता दोगे. वो क्या हुआ, हमारे पास स्कैनिंग हो गई. देन इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वोकैबुलरी. इसके बाद हमारे पास वो कैब आती है. आपको क्या करना है, एक अलग से नोटबुक लगानी है. उस पर क्या करना है, अलग से आपने जो भी वोकैब वर्ड्स रीडिंग में रीड किए हैं उसको क्या करना है, नोटबुक के ऊपर लिखना है और साथ में उसका मीनिंग लिखना है. मीनिंग लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होगी उनकी, कि आपको उस चीज़ का पता चले कि इस वर्ड को हम कैसे यूजेज में ला सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर ट्रू फॉल्स, येस नो नॉट गिवन.
इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बैंड स्कोर एंड लिसनिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल एज वेल. Yes, no, not given are also based on the vocabulary, and sometimes there is one word which stuck you on the particular true, false, or not given. You can't understand the meaning of that particular word. For example, the search for the missing sailors was abandoned after 2 days. इसका मतलब क्या है, ये एक पैसेज में, अगर उन्होंने एक पैसेज में दिया है जो कि सेलर्स की जो सर्च थी उनको ढूंढा जा रहा था, उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया गया. तो इसका आगे आपके पास क्या दिया हुआ था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, द सर्च फॉर द मिसिंग सेलर्स वॉज डिजर्टेड आफ्टर 2 डेज. डिजर्टेड क्या है, उसका एंटोनियम है अबेंडेंट का. इसका क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा. अगर आपको इसका मतलब नहीं पता अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है. अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप क्या करोगे, इसको गलत कर दोगे. मोस्ट ऑफ द हमारे हमारे पास कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ होती है, स्कैनिंग. हमें क्या करना होता है, पहले हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कौन से होते हैं एक्चुअल में, या तो वो वर्ब होती है, या एडवर्ब होती है, या एडजेक्टिव होता है. हमने क्या करना होता है, पहले कीवर्ड्स को मार्क करना होता है, देन हमें स्कैन करना होता है. लोकेशन फाइंड आउट कर ली, लोकेशन फाइंड आउट की तो उसमें क्या हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है इन योर ऑन मदर टंग, ओके. एंड अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होगा, उसके जो आपने कीवर्ड्स लगाए हैं, आप पहले तो उसको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. जैसे मैंने आपको बोला है कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये आपके पास कीवर्ड्स होते हैं. अगर आपको तीनों कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो वो क्या होगी, आपके पास ट्रू होगी, वो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी. अगर आपको नहीं मिल रहा कोई कीवर्ड, जैसे ये 2 कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जो 3rd कीवर्ड है हमारे पास वो क्या है, गलत है, रॉन्ग दिया हुआ है, स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. और या तो ये भी हो सकता है कि 2 कीवर्ड्स रॉन्ग दिए हों, 1 राइट दिया हो और लास्ट में फिर 1 रॉन्ग दिया हो जो कि स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हों. तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएंगी, या नो कर देंगे हम, नो यस, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ठीक है. अब नॉट गिवन किस केस में होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको पता नहीं चलता फॉल्स नॉट गिवन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं आंसर को. उसमें क्या होता है, जो आपके पास कीवर्ड हैं, जो आपने कीवर्ड मार्क किए हैं, उसमें क्या होगा, 1 कीवर्ड आपको मिल गया, 2nd कीवर्ड आपको मिलेगा ही नहीं, 3rd कीवर्ड कई बार हो जाता है वो भी नहीं मिलता. तो इस केस में क्या है, वो नॉट गिवन है. और एक और चीज़ हो सकती है, अगर आपको 2 कीवर्ड मिल गए, 1 कीवर्ड नहीं मिला, या सेंटर वाला कीवर्ड नहीं मिला, फर्स्ट वाला नहीं मिला, लास्ट वाले 2 मिल गए, तो उस केस में भी क्या होगा, नॉट गिवन होगा, अगर आपको कीवर्ड्स मिल ही नहीं रहे. आफ्टर दिस इन MCQs यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हेन वी स्टार्ट द MCQs, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड mark the keywords. When you mark the keywords, then there are elimination method which we can use to mark the correct answer. In this method we will read the paragraph first and then translate it into your mother tongue, and after that there are two
ऑप्शंस विच आर लुकिंग अ सिमिलर एंड दोज आर कन्फ्यूजिंग फॉर यू एंड एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस टेक्निक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू सॉ वन ऑप्शन विद द सेम कंटेंट विच इज रिटन इन द पैराग्राफ यू शुड लीव दैट ऑप्शन बिकॉज इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर. जो भी हमें आंसर दिया होता है करेक्ट आंसर वो हमेशा क्या होता है पैराग्राफ का क्रक्स होता है. जो हम पैराग्राफ को रीड करते हैं जो हमारी लोकेशन होती है उसका क्रक्स निकाल के वो दिया जाता है उसका आंसर. बिल्कुल सेम आंसर वो नहीं लगाया जाता. और एक जो ऑप्शन होती है वो क्या होती है वो हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है पूरे पैराग्राफ की स्टेटमेंट को. तो हमारे पास क्या होती हैं सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं जो हमें कंफ्यूजिंग लगती हैं और उनमें क्या होता है हमने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना होता है. एंड आफ्टर एमसीक्यूज वी विल डिस्कस हेडिंग्स. इन द हेडिंग्स यू शुड ऑलवेज डू स्किमिंग एंड कंक्लूड द पैराग्राफ इन योर ऑन मदर टंग बिकॉज आई थिंक ट्रांसलेशन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. अगर आप ट्रांसलेट करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो क्या करना चाहिए हमें कि ट्रांसलेट करना चाहिए पूरे पैराग्राफ को जो भी आपकी मदर टंग है वेदर इट इज़ हिंदी और पंजाबी. हमें उसमें क्या करना है ट्रांसलेट करके पूरे पैराग्राफ क्रक्स निकाल लेना है. फिर हमें किधर जाना ऑप्शंस में जाना है और उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको राइट आंसर्स लग रहे हैं उनको आप करेक्ट कर लो. तो उसमें आपने क्या करना है उसमें फिर से आपने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है. अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करोगे तब आप क्या करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे कि वो आंसर कैसे आया है और रॉन्ग आंसर्स को आप एलिमिनेट कर पाओगे. और सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स जो हमने मार्क किए होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं वर्ब होते हैं एडजेक्टिव होते हैं एडवर्ब होते हैं ये होते हैं इनको हमने मैच करना होता है. और एक और चीज़ होती है कि हमने टेंस को देखना होता है टेंस को ध्यान में रख के ये चीज़ करनी होती है. कई बार क्या होता है जो हमारे पास आंसर दिए होते हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना होता है सिमिलर से होते हैं उनमें सिर्फ टेंसेस का डिफरेंस होता है. पैराग्राफ में क्या किया होता है वो सारा पैराग्राफ प्रेजेंट में दिया होता है और जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं उनमें क्या होता है कि सिमिलर ही दो ऑप्शन सिमिलर दे देते हैं और सिमिलर ऑप्शंस में से क्या होता है कि अगर सिमिलर ऑप्शंस है एक प्रेजेंट में होगी और एक फ्यूचर में होगी. और हमें फिर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है. आफ्टर दिस वन मोर थिंग गो थ्रू विद अ बिगर हेडिंग. व्हाट इज बिगर हेडिंग फॉर एग्जांपल गोल्डन टेंपल इज अ कॉमन प्लेस टू सोलेमनाइजिंग द सिख वेडिंग इन अमृतसर. द क्वेश्चन इज गिवन इन द ऑप्शंस ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग जो कि गोल्डन टेम्पल है एक कॉमन प्लेस है सिख वेडिंग के लिए अमृतसर में. और पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे किसकी बात हुई अमृतसर की जो कि एक प्लेस है ठीक है. और पैराग्राफ में किस चीज़ की बात की जा रही है गोल्डन टेम्पल इज कॉमन प्लेस टू सोलेमनाइजिंग अ सिख वेडिंग्स इन पंजाब. तो क्या आ गया पंजाब बिगर हेडिंग क्या है वहाँ पर उन्होंने पंजाब की बात कर दी. ऑप्शंस में क्या है अमृतसर है तो अमृतसर कहाँ पे आता है पंजाब के अंदर ही आता है. सो गो थ्रू विद द बिगर हेडिंग. देन वी स्टार्ट विद द फिलअप्स. व्हाट आर द एग्जैक्ट टेक्निक्स टू डू फिलअप्स. सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड हाउ टू डू द फिलअप्स बिकॉज दे फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन बट डोंट फाइंड द करेक्ट आंसर टू डू इट. I will tell you what are the exact techniques. First of all, you should, as I told you earlier, you would try to understand the question first. First of all, when they are giving up these things in their statement, like who, where, and which
विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन अंडरस्टैंड फॉर वॉट दे आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर हु दे आर डिस्कसिंग अबाउट एनी पर्सन सो वी कैन स्कैन द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वेयर फॉर एनी लोकेशन और प्लेस एंड विच फॉर एनी थिंग वेदर इट इज टेबल पेन एंड चेयर एंड आफ्टर दिस आर्टिकल्स वी वुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन दीज आर्टिकल्स because sometimes they are giving you a blanks like a dash in the paragraph they are giving you answer after this article so you can understand these things a an and the and After this, the last thing is when they give you blank like this dash and dash. फिर आपको क्या करना है अगर आपको एक तो स्कैन स्किम एंड स्कैन टेक्निक के साथ क्या करना है लोकेशन को फाइंड आउट करना है अगर आपने लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया है तो आपने क्या देखना है हमेशा आंसर क्या होगा आगे भी ब्लैंक है पीछे भी ब्लैंक है तो उसका आंसर जो होगा हमेशा अगर आगे V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पीछे भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है यहाँ पे फर्स्ट है तो वो क्या है गलत हो जाएगा जो ही जो वर्ब आगे है वही वर्ब क्या पीछे होनी चाहिए दोनों में तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा या सेकंड दी है फर्स्ट दी है तो आगे भी क्या होगा सेकंड और फर्स्ट ही होगी तो इस तरह से आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है फिलअप्स करते हुए और यूज़फुल थिंग क्या है कि आप हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो वोकैबुलरी को बूस्ट करो अपनी वोकैबुलरी को और ये जो टेक्निक्स हैं इनको आप फॉलो करो तो आप डेफिनेटली अच्छे बैंक स्कोर करोगे इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ Drop your comments in a comment section and stay tuned with IELTS Inning.